अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। आने वाली 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसको लेकर यूपी समेत पूरा देश राममय हो चुका है। राम भक्तों में खुशी की लहर है, तो वहीं सरकार भी इस कार्यक्रम को भव्य से भव्य बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रदेश के राममय होने का सबूत है। दरअसल बरेली में 3 तलाक पीड़िताएं रामलला के लिए वस्त्र बना रही हैं। बरेली में 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाएं अयोध्या जन्मभूमि मंदिर में विराजे रामलला के लिए पोशाक तैयार कर रही हैं। मुस्लिम महिलाएं अयोध्या जाकर खुद अपने हाथों से मंदिर ट्रस्ट को रामलला के ये वस्त्र सौंपेंगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में हर कोई अपना कुछ न कुछ योगदान देना चाहता है। हर कोई अपने स्तर से इस ऐतिहासिक क्षण में किसी न किसी तरह से शामिल होना चाहता है या अपना योगदान देना चाहता है। कुछ ऐसा ही बरेली की 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं। वो भी राम मंदिर में अपना सहयोग देना चाहती हैं। ऐसे में इन पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने अलग तरीका निकाला है। ये सभी 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाएं रामलला के वस्त्र खूबसूरती के साथ बना रही हैं। जरदोजी का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। जब रामलला के ये वस्त्र तैयार हो जाएंगे तो ये सभी मुस्लिम महिलाएं अयोध्या जाकर ये वस्त्र भगवान श्री राम को समर्पित करेगी। आपको बता दें कि ये सभी पीड़ित मुस्लिम महिलाएं मेरा हक फाउंडेशन के तहत रामलला के वस्त्र बना रही हैं। ये एनजीओ 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करता है। इसके बैनर तले ही 3 तलाक पीड़ित ये मुस्लिम महिलाएं रामलला की पोशाक बना रही हैं। रामलला के वस्त्र बना रहे 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि जब पूरे देश और दुनिया रामलला के स्वागत में लगी है तो उन्हें इसमें पीछे क्यों रहना चाहिए। हम रामलला के स्वागत में क्यों पीछे रहें। इन मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि भाजपा की सरकार ने उन्हें 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। मोदी सरकार ने महिलाओं को उनका हक दिलाया। वो मोदी सरकार से काफी खुश है। ऐसे में जब रामलला का स्वागत अयोध्या में हो रहा है तो वो भी इस खुशी में शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ की रहने वाली रूबी आसिफ खान को एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल रूबी आसिफ खान अलीगढ़ की रहने वाली है और उन्होंने अपने घर पर राम की मूर्ति रखी है जिस कारण अब उन्हें धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। आप भी सुनिए रूबी आसिफ खान ने क्या कहा। आज सुबह हम लोग सोकर उठे तो बाहर पेपर के लिए गए, बाहर वाले कमरे में देखा धमकी भरा पोस्टर वहाँ पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था रूबी आसिफ खान तू बहुत राम भक्त बनती है, तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे 72 घंटे में। आपने शिकायत की? जी बिल्कुल शिकायत की। सीओ साहब आए थे और थाने पे से चौकी पे से भी सभी लोग आए थे। उन्होंने देखा सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने फुटेज निकाली, पर्चा डालते हुए पूरे सबूत के साथ वो दिखा और वो सब कार्रवाई की। उन्होंने तहरीर ली और कहने लगे हम इसमें कार्रवाई करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लेकिन इससे पहले इतना सब कुछ हुआ, मैंने पहले गणेश जी की प्रतिमा रखी थी उसमें मेरे पोस्टर लगा दिए गए थे जिंदा जला के मारने के। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।